हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द GTA 5 गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, जैसा कि कल की वीडियो में हाइस्ट के हमने सारी प्लानिंग कर ली थी, पर हमारे पास LSPD की एक वैन नहीं थी। तो यार, लेस्टर का मेरे को अभी कॉल आया था LSPD की वैन की, उसने लाइव लोकेशन जो है वो ट्रेस कर लिया है और उसने मेरे मैप में उसका मार्कर लगा दिया है। तो तुम देख सकते हो जो HS ब्लिप कर रहा है वो की वैन है। तो यार, जैसे कि तुम सब जानते हो, फ्रैंकलिन ने जो नई बाइक ली थी उसे चलाने में बहुत फील आती है। तो यार, मैंने उससे उसकी जो बाइक है वो थोड़े दिन के लिए मांग ली है। तो गाइस, हम फटाफट से बैठते हैं निंजा कावासाकी में और चलते हैं LSPD की वैन लेने के लिए। तो गाइस, मेरे को LSPD की वैन ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, तुम देख सकते हो खुद ही मेरे सामने से जा रही है। पर मेरे को तो लगा था कि इसमें एक आध बंदे होंगे, पर यार ये पूरी वैन भरी हुई है। तो यार, पहले हम फटाफट चलते हैं एमुनेशन में और थोड़ी सी गन परचेज करते हैं, उसके बाद देखते हैं उनसे वैन कैसे छीननी है। तो यार, यहाँ पर मैंने अपने गूगल मैप्स में एमुनेशन का मार्क लगा दिया और फटाफट चलते हैं एमुनेशन में और थोड़ी सी हम गन परचेज कर लेते हैं। वैसे यार, आज हमारा बहुत अच्छा लग गया, तुम देख सकते हो एमुनेशन भी यहाँ पे पास में ही था। तो यार, हम आ चुके हैं एमुनेशन पे। तो यार, देखते हैं हमारे लिए कौन कौन सी गन अवेलेबल है। तो यार, मैं जितनी भी हमारे लिए गन्स अवेलेबल होंगी वो सारी ले लूँगा, क्योंकि यार अभी तो LSPD की वैन चुरानी है, पर उसके बाद हमें एक रॉबरी भी करनी है, तो सारी गन्स काम आने वाली है। तो यार, फटाफट से लेते हैं गन्स और निकलते हैं एमुनेशन से। तो यहाँ पे मेरे लिए सिर्फ कुछ ही गन्स अवेलेबल है, तुम देख सकते हो एक AKM है, एक शॉट गन है, एक उजी है और एक सॉर्ड ऑफ है और एक और SMG है। पर यहाँ पे जो लास्ट गन है वो तुम देख सकते हो जो हमारी PUBG में P90 है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं फटाफट से इसे भी खरीद लेता हूँ। पर मैंने गन्स तो ले ली है और साथ में मैंने एक Level 3 का वेस्ट भी ले लिया है, ताकि LSPD की बुलेट्स का मेरे को कम से कम डैमेज हो। तो यार, अब LSPD के ऑफिसर से निपटने का भाई पूरा इंतजाम हो चुका है। तो फटाफट से चलते हैं बाहर एमुनेशन से और बैठते अपने कावासाकी में और चेस करते हैं LSPD की वैन को। तो यार, मैंने एमुनेशन से गन और आर्मर तो परचेस कर लिया है और तुम देख सकते हो LSPD की जो वैन है वो अभी भी ज़्यादा दूर नहीं गई है। तो मैप में देख सकते हो और वो स्ट्रेट रोड में ही है। तो हम फटाफट चलते हैं LSPD की वैन पे और अब हम भाई छुपके से वैन नहीं चुराएंगे, अब हम इनके सीधा मुंह पे जाके इन्हें मारेंगे और इनके वैन छीनेंगे। तो यार देखो, ये LSPD वाला है, तो यार चौड़ तो इनमें भी होगी। तो यार, मैंने इन पे ऐसी फायर कर दिया था कि रुक जाए और तुम देख सकते हो चौड़ चौड़ उन्होंने गाड़ी रोक भी लिया है, पर इन्हें भी पता नहीं है कि माइकल जो फुल हथियारों के साथ आया है। तो अब देखो यार, मैं इनकी कैसे बैंड बजाता हूँ। तो भाई, यहाँ पर तुम देख रहे हो क्या गलत सीन हुआ। भाई माइकल कह रहे हैं यार Level 3 की वेस्ट भी आ चुकी है और हम पे गन्स भी अच्छी है, तो क्यों ना हेलमेट भी पहन लेते Level 3 का। तो यार, तुम देख सकते हो Level 3 का तो नहीं, पर Level 1 का हेलमेट भी पहन लिया इसने। पर यार, इसकी इस बेवकूफ़ की वजह से भी हम मर सकते थे। तो हेलमेट तो पहन लिया, फटाफट से LSPD के ऑफिसर्स को और इनकी वैन को निकालते हैं यहाँ से और चलते फिर से लेस्टर के पास। तो यार, मैंने LSPD के ऑफिसर्स को तो मार दिया और वैन में बैठ चुका हूँ। पर यार, मेरे को लगा था मिशन सिंपल होगा, मेरे को LSPD की वैन चुरानी और लेस्टर के पास जाना है। पर यार, तुम देख सकते हो मेरे पर 3-स्टार पुलिस पड़ चुकी है, तो मेरे को पहले पुलिस से पीछे छुड़ाना पड़ेगा और तब जाके मैं कहीं से लेस्टर के पास लेके जा सकता हूँ। तो यार, मैं बहुत देर से पुलिस का पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यार पुलिस हमारे पीछे छोड़ ही नहीं रही है। तो फाइनली मैं लेके आ चुका हूँ इसे ऑफ रोड पे और तुम देख सकते हो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत सही चल रही है, पर यार पुलिस जो हमारे पीछे छोड़ने का नाम नहीं ले रही। तो मैं जंगलों की तरफ आ चुका हूँ, पर यार पुलिस हमारा पीछा कर रही है, क्योंकि पुलिस के पास जो हेलीकॉप्टर है वो हमारे पीछे पड़ चुका है। तो यार, देखते हैं यार क्या सीन होता है, पुलिस हमारा पीछा कब तक छोड़ती है। तो गाइस, यार फाइनली इतना ड्राइव करने के बाद पुलिस ने हमारा पीछा छोड़ दिया और अब हमें इसे गारमेंट फैक्ट्री लेके जाना है, यानी कि जो लेस्टर की फैक्ट्री है। तो यार, फटाफट चलते हैं लेस्टर की फैक्ट्री पे। तो यार, यहाँ से लेस्टर की जो फैक्ट्री है बहुत दूर है, तो यार हमें टाइम लगेगा पहुँचने में। तो यार, मैं फुल स्पीड में चलाता हूँ गाड़ी को और देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। यार, तुम सोच रहे हो कि मैं इतनी देर से LSPD कर रहा हूँ, ये LSPD है क्या? तो यार, LSPD लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पे देख सकते हो मैं रोड को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मेरे को जो शॉर्टकट मिल रहा है मैं उस पर जा रहा हूँ, ताकि मैं फटाफट लेस्टर की फैक्ट्री पहुँचूँ और आज ही के दिन हम ये पूरी हाइस्ट को कम्प्लीट कर लें। गाइस, यार फाइनली इतना ड्राइव करने के बाद मैं पहुंच चुका हूँ लेस्टर की फैक्ट्री पे और मैंने अपनी वैन को पार्क कर दिया है। और मैं लेस्टर पे यहाँ पे कॉल करके बता देता हूँ कि मैं वैन लेके आ चुका हूँ। तो लेस्टर से मेरी बात हो चुकी है, तो लेस्टर कह रहा है कि भाई अब पूरा इंतजाम हो चुका है, अब फाइनल बारी है क्रू मेंबर को इकट्ठा करने की और प्लान को एग्जीक्यूट करने की। तो फटाफट चलते फैक्ट्री के अंदर। तो यार, हम फैक्ट्री के अंदर तो आ चुके हैं, यहाँ पर जो हमारे क्रू मेंबर्स हैं वो पहले से इकट्ठा हो रखे हैं।
तो यार तुम देख सकते हो यहाँ पर माइकल और जो लेस्टर है वो अभी अपने क्रू मेंबर्स को प्लान समझा रहे हैं पूरा, तो और वेट करते हैं इनके प्लान समझाने का और फिर फटाफट से आज इस हाइस्ट को कंप्लीट करते हैं। लेस्टर और माइकल ने यहाँ पे सबको प्लान समझा दिया और तुम यहाँ पर देख सकते हो इस प्लान में फ्रैंकलिन को भी इंक्लूड किया माइकल ने। तो यार मैं स्विच हो चुका हूँ फ्रैंकलिन के कैरेक्टर पे और मैं चलता हूँ फटाफट फैक्ट्री से बाहर। तो यार हम फैक्ट्री से तो बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर मेरे को फिर से ड्राइविंग करनी है। यार माना कि मैं अच्छी ड्राइविंग करता हूँ यार, पर इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम मेरे को पर्सनल ड्राइवर बना लोगे यार, अपनी भी कोई इज्जत है यार। तो गाइज माइकल और फ्रैंकलिन तो बैठ चुके वैन में और साथ ही में जो क्रू मेंबर्स है वो भी बैठ चुके, तो फटाफट चलते हैं ज्वेलरी शॉप में। तो गाइज यार मैंने कल तुम्हें मनी हाई सीजन 5 का ट्रेलर दिखा दिया था और आज मैं तुम्हें उसका जो एक्शन पार्ट है वो दिखाने वाला हूँ। तो जो सीरीज है वो लेस्टर ने बनाई है, तो यार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैं आपको एक्शन दिखाने वाला हूँ ये कहीं जाके लीक मत करना। तो गाइज आप एक्शन को इंजॉय करो और मैं चलता हूँ फटाफट ज्वेलरी शॉप पर जहाँ से हमारा जो रियल एक्शन है वो शुरू होगा। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं ज्वेलरी शॉप के बाहर और अब तुम बस देखते जाओ यहाँ पे जो ही सीन कर दूंगा मैं। और गाइस ये रॉबरी मैं इतनी चौड़ में करूंगा ना कि पूरी लॉस सैंटोस को पता चल जाएगा कि असली जो गैंगस्टर्स है वो आ चुके हैं लॉस सैंटोस में। और गाइस अगर तुम हमारे गेटअप को देख के सोच रहे हो ना कि हम मास्क पहन सकते थे हेलमेट की जगह, तो अभी रुको जरा सब्र करो। तो गाइस यहाँ से शुरू होता है हमारे लूटने का काम। सीसीटीवी और अलार्म हमने डिसेबल कर दिए हैं, भाई महंगे हैकर्स रखे हैं यार हमने, तो बस अब सिर्फ आपको पता है और मेरे को पता है कि ये चोरी कौन कर रहा है। तो मैं पहले ही कह देता हूँ कि यार तो गाइस रॉबरी के बाद जब मैं वीडियो डालूंगा तो यार कमेंट सेक्शन में कोई मत ब्लैकमेल करना कि यार हम लॉस एंजेलिस की पुलिस को बता देंगे कि ये रॉबरी किसने की है, हमें भी लूट का हिस्सा दो। तो यार तुम प्लीज़ यार थोड़ा मर्सी दिखाना। तो गाइस मेरे को पता है बहुत प्यारे लोगों आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ब्लैकमेल नहीं करोगे, तो यार ये सब बातें तो हमारी होती रहेंगी बाद में। तो मैं फटाफट यहाँ पे लूट कर लेता हूँ। तो यार तुम देख सकते हो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 2.5 मिलियन डॉलर्स की है, पर यार मैं यहाँ से एक्स्ट्रा लेके जाऊँगा क्योंकि यार तुम सबको पता है यार आधे पैसे तो मद्राजों को रिटर्न करने हैं, तो यार हमारे हाथ क्या लगेगा। तो यार हम मैक्सिमम लेके जाएंगे यहाँ से यार, भाई लॉस सैंटोस का बड़ा आदमी बनना है, पूरे लॉस सैंटोस का गैंगस्टर बनना है, तो यार स्पीड रखनी तो ज़रूरी है ना। और जितनी जल्दी हो सकता है हमने उतनी जल्दी इस ज्वेलरी शॉप का जितना भी सामान था वो बैग में भर लिया है और अब बारी यहाँ से एग्जिट होने की। तो यार हम फटाफट चलते हैं शॉप से बाहर। तो गाइस पता नहीं यहाँ पे जो स्ट्रीट का सिक्योरिटी गार्ड है वो फ्रैंकलिन से क्यों बहस कर रहा था, तो यार माइकल पीछे से आया उसे यहाँ से गिरा दिया और अब फ्रैंकलिन और जो क्रू मेंबर्स वहाँ से जा चुके हैं और माइकल यहाँ से अपना अलग निकल चुका है। तो गाइस इसी के साथ मैं स्विच हो चुका हूँ फ्रैंकलिन पे और ज्वेलरी शॉप में जितने भी हमने सामान चुराया वो मेरे पास है, मेरे को यहाँ पे फॉलो करना है क्रू मेंबर्स को। और तुम देख सकते हो मैं 4-स्टार पुलिस पड़ चुकी है, तो यार हम फॉलो करते हैं अभी क्रू मेंबर्स को। यार वैसे तो ये बाइक भी सही है, पर यार इसकी जगह अगर मेरी निंजा होती मेरे पास तो यार पुलिस वालों को पता भी नहीं चलता कि ये बंदा कहाँ गायब हो गया इतनी जल्दी। तो गाइस यार मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम बस सीन इन्जॉय करो। तुमने मेरे को सिर्फ कार चलाते हुए देखा, तो यार तुम आज देख लो कि तुम्हारा भाई बाइक कैसे चलाता है। तो यार जो मैंने यहाँ पे इतनी सेट बाइक चलाई है ना, तो यार ये मोटो जीपी खेलने का फ़ायदा है यार, तुम्हारा भाई NFS भी खेलता था, मोटो जीपी भी खेलता था और अब तुम्हारा भाई GTA 5 भी खेल रहा है जिसमें दोनों का कॉम्बो है। तो यार बाइक चलाने में तो बड़ा मज़ा आ रहा था। तो यार हम टनल से एग्जिट हो चुके हैं और मैं स्विच हो चुका हूँ माइकल के कैरेक्टर पे। तो यार तुम देख सकते हो मैं इतनी अच्छी खासी बाइक चला रहा था, मेरे को एक घटिया सी वैन पकड़ा दिया है। तो यार मेरे को कुछ नहीं करना, बस ये जो पुलिस हमारे बाइकर्स के पीछे पड़ी हुई है मेरे को इनको रास्ते से हटाना है। तो यार मैं फटाफट से इन रास्ते से हटाता हूँ और अपने बाइकर्स को जाने के लिए एक रास्ता बनाता हूँ। तो यार आई नो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि यार हमें कुछ नहीं करना, पर यार असल में मेरे को बहुत कुछ करना पड़ता है यार। #sadlife पर मजाक की बात है बहुत हो गई।
यार तुम देख सकते हो मैंने एक एक करके सारे पुलिस वाले को रास्ते से हटा दिया है, और हमारे बाइकर्स जो है वो आगे जा रहे हैं एकदम फ्रीली। और तुम देख सकते हो यार पुलिस ने भी हमारा पीछा छोड़ दिया है। तो यार फटाफट से हम ट्रक को रोकते हैं और बाइकर्स को बिठाते हैं अंदर। और तो यार रॉबरी भी हो गई, पुलिस भी हट गई और बाइकर्स भी बैठ चुके हैं मेरे वैन या ट्रक जो भी है ये। तो मैं फटाफट चलता हूँ एक सेफ प्लेस पे जहाँ पे हम इस ट्रक को खड़ा करेंगे जब तक कि यहाँ का जो माहौल है वो शांत नहीं होता। गाइस मैं ट्रक को लेकर पहुँच चुका हूँ लेस्टर की बताई हुई सेफ प्लेस पे, और तुम देख सकते हो हमने यहाँ पे ट्रक को पार्क कर दिया और एक शीट से उसे कवर भी कर दिया है। तो यार लेस्टर और क्रू मेंबर्स जो हैं बहुत खुश हो चुके हैं। तो यार लेस्टर भी कह रहे हैं कि हम थोड़ा माहौल को शांत होने देते हैं, उसके बाद मैं सारी ज्वेलरी बेच दूंगा और जिस बंदे का जितना शेयर है वो उसको मिल जाएगा। तो यार इसी के साथ हमारी जो हाइस्ट है वो कम्प्लीट हो चुकी है। तो गाइस आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।